When did you go? I don't remember. Assalamualaikum, welcome back to my channel as a vlog. आज की वीडियो है एक चैलेंज पे. चैलेंज होगा शॉपिंग का और शॉपिंग के अंदर 3000 अराउंड मुझे अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट करनी है. बहुत से यूट्यूबर्स ने ये शॉपिंग टास्क किया और बहुत अच्छे से किया. मेरा जो रेंज होगा 3000 होगा और वो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा शॉपिंग के लिए, बिकॉज के ईद आने वाली है, ईस्टर आ रहा है और बहुत से लोग हैं जो शॉपिंग्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, खास करके कराची वालों के लिए. तो ये मैं आई हूँ तारिक रोड के एक शॉप पे और वहाँ पे इस शर्ट के प्राइस बता रहे हैं मुझे. मैंने ना पूरी सर्चिंग करने के बाद ये एक शॉप की थी, चॉइस की थी और मैंने बीच की वीडियोस बिल्कुल नहीं डाली. और ये टाइम है दोपहर 3 बजे का. ये शर्ट 700 रुपये की थी और जो पीछे गई है वो 1800 इनका प्राइस था. ये भी 700 रुपीज़ की थी. शर्ट्स अच्छी थी, क्वालिटी वाइज थोड़े बहुत कपड़े में फ़र्क था. और ये ट्राउज़र हैं इनके, ये 450, 550, 650 इस तरह प्राइस बता रहे थे, पर प्राइस जो है वो ये कम कर लेते हैं. ये जो टाई नॉट ट्राउज़र हैं ये 550 बता रहे थे, 650 सॉरी, और इन्होंने 550 में मुझे डन किया था, 500 में डन किया था. और ये शलवारें हैं बलोची टाइप की. ये जो ट्राउज़र हैं ये 450 से 700 रुपीज़ की रेंज तक हैं, एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र थे और क्वालिटी वाइज भी नॉट बैड, अच्छी क्वालिटी है. एक्समिन के पैसों के हिसाब से रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल रही है. और इनकी ये शर्ट जो थी ये 1200 रुपीज़ कह रहे थे और ये मैंने पसंद की है अपने लिए. और बहुत तकरार के बाद इन्होंने मुझे ये 1000 रुपीज़ की, मैंने इनसे डन कर ली है. और यहाँ पे ये हैं ट्राउज़र. ये ट्राउज़र जो है ना मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लग रहा था और ये महंगा भी दे रहे थे. ये मतलब 650 रुपीज़ फ़ाइनल कर रहे थे इसका 750 कह के, पर ये बिल्कुल भी जो इसके फ्लावर्स थे वो मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे. यहाँ पे मैंने इन्हें ये ट्राउज़र भी एक था, ये भी 500 रुपीज़ ईच है. ये शर्ट मैंने इनसे 1000 रुपीज़ में डन कर ली है और अब इसके साथ ट्राउज़र सेलेक्ट करूँगी मैं. मेरी कोशिश होगी कि 3000 तक मैं अपना कंप्लीट मेकअप, बैग, एसेसरीज़ जितनी भी है वो कर लूँ. ये एक शॉपकीपर बहुत बहस कर रहे थे वीडियो बनाने की वजह से, थोड़ा सा ये जो है ना 1000 रुपीज़ से नीचे नहीं जा रहे थे. अगर मैं इनसे ऑफ कैमरा लेती और नॉर्मल जाके लेती तो ये 800 रुपीज़ में, 900 में मुझे ये डन कर देते, बिकॉज के मैं कह चुकी थी यूट्यूब के लिए वीडियो है और वहाँ पे थोड़ा सा ये हो गए जी ठीक के मुझे तो 1000 रुपये में ही देनी है. और इसकी एम्ब्रॉयडरी आप चेक कीजिए, ये बहुत खूबसूरत और हसीन शर्ट है और एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत बारीक काम हुआ हुआ है, इस पर बहुत खूबसूरत है. कपड़ा भी ये कॉटन है, लीलन नहीं है. ज़्यादा स्टॉक ना लीलन का है, पर लीलन मुझे पर्सनली इतनी ख़ास नहीं पसंद. और ये है ट्राउज़र और मैंने ये ट्राउज़र डन किया है, 500 रुपीज़ का इन्होंने दिया है. इसकी भी एम्ब्रॉयडरी आप देखो, बहुत बारीक सा काम हुआ है इस पर. ये टाई नॉट भी 500 है. मुझे ये टाई नॉट लेना था पर अभी जो टास्क था मैं वो कंप्लीट करूँगी, इसलिए मैंने वो ही सिर्फ एक लिया है. अपना पेयर पूरा करना है मुझे, पूरा अपना एक जोड़ा बनाना है जिसमें शर्ट, दुपट्टा और ट्राउज़र होगा. ये ट्राउज़र है और जी ये है दुपट्टा जो मैंने सिलेक्ट किया है. इसका प्राइस है 400 रुपीज़. ये 400 रुपीज़ था, 450 बता रहे थे, 400 रुपीज़ इन्होंने किया है. फुल काम हुआ हुआ है इसके ऊपर और साइडों पे लेस है चिकन.
जो कि इसके साथ ही है, कनेक्ट हुई हुई आई डोंट नो के साथ है या की हुई है, पर बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये जो ये 350, 550 इस तरह, 450 इस तरह के दुपट्टे थे इनके पास। तारिक रोड पे बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये सारे इनके दुपट्टे हैं जो 400 रुपीज़ हैं, और बहुत बारीक सा इन पे ना चिकन का काम हुआ है, चिकनकारी जो काम होता है वो इनका हुआ हुआ है। और यही चीज़ आपको नेट पे आप जाके देखें तो ये 4000, 5000 में मिल रहा होता है। ओके जी, ये मैंने डन किया है इनसे, 1900 रुपये मेरा टोटल अमाउंट बना है जिसमें आई है ये एक शर्ट। ये शर्ट मैंने सिलेक्ट की है अपने लिए, देन ये ट्राउज़र और ये दुपट्टा, और ये हो गया है मेरा कंप्लीट एक सूट। सो देखते रहिए, आगे जाते हैं। 1900 का है ये। ओके, तो ये बैग है, स्टॉल लगा हुआ था तारीख रोड पे बाहर, और ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे मुझे। पूरी 3000 रुपये में शॉपिंग को अपने कंप्लीट करना है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत ही कम रेंज में बैग देखना पड़ेगा, बिकॉज़ के मैं 1900 रुपये अपना लगा आई हूँ और बाकी मेरे पास रह गया है 1100 रुपये। 1100 रुपये में देखते हैं कि मैं अपना कितना कंप्लीट करती हूँ इस शॉपिंग को। वैसे इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, आप भी वीडियो देख के एंजॉय कीजिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मैंने डन किया है यहाँ पे ये बैग जो कि मुझे फाइनली मिला है 400 में, 450 बता रहे थे ये। ओके जी, यहाँ पे हम आ गए हैं स्लीपर सेक्शन में, और यहाँ पे 450, 550, 350 इस तरह के प्राइजेस थे इनके। ये भैया थोड़े से एक्सपेंसिव थे, 550, 600 रुपीज़ स्लीपर बता रहे थे, और ये थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा है ये, इसलिए मैंने यहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी स्लीपर पसंद नहीं किया ना बाई किया है। रीज़न मैं बताऊँ आपको कि ये क्यों मुझे एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो इनके पास जो कोल्हापुरी है वो ये 400 रुपीज़ प्राइस लगा रहे हैं उसका फाइनली, और वो 200 रुपीज़ में हर जगह पे अवेल है ये वाली कोल्हापुरी। ओके जी, मैंने यहाँ पे पसंद किए हैं स्लीपर्स, जो कि मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रही थी।
400 रुपीस का बैग था, 1900 रुपीस का मेरा सूट था, और ये हो गए 2300 रुपीस। में डन, टोटल अमाउंट मैंने अभी तक जो किया है वो है 27। और अब मैं यहाँ पे लूंगी ज्वेलरी बिकॉज के मेरे पास है जस्ट 300 रुपीस। और बहुत मजे की बात मैं आपसे बताऊँ ना, 2700 रुपीस में अपनी पूरी शॉपिंग कर चुकी हूँ, 300 रुपीस रह गए हैं मुझे उसमें ज्वेलरी कलेक्शंस करने की। और यहाँ पे मैंने ये बालियां टाइप के लिए हैं, झुमकियां कह लें बालियां कह लें, ये जो है मैंने 300 रुपीस की इनकी सेल थी, जितनी भी हैं ये 300 रुपीस की सेल में थी। और वहाँ पे मेरा दिल हो गया बाग बाग क्योंकि मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट 3000 में। जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया और बहुत इंजॉय किया है मैंने इस चीज़ को। ऐसा भी होना चाहिए कि आपके पास एक पॉकेट मनी हो 3000, उसी में आपको अपना कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छा एक टास्क रहा है मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा इससे हैप्पीनेस हुई है, बहुत ज़्यादा सीरियसली, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। गोल्डन वाले डन कर चुकी हूँ 300 रुपीस पे। और ये जो इनके पूरे सेट हैं ऊपर वाले 600 रुपीस हैं, ये भी बहुत प्यारे हैं, ट्रेडिशनल हैं, ब्लोची और पठान कर्ल्स होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये कैरी किया हुआ उनके साथ। और ये 400 रुपीस हैं सारे। इनके जितने भी सेट थे बहुत रीजनेबल प्राइस थे इनके पास भी, और बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि बहुत बुरे हैं। ये सब 400 के सेट हैं, आप लेना चाहो तो मदीना मस्जिद के सामने ही तारिक रोड पे ये शॉप है, और ये भैया होते हैं यहाँ पे जिन्होंने 300 रुपीज़ सेल लगाई है और 250 रुपीज़ में मुझे डन की है ये बालियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं, गोल्डन वाली ये वाली, और ये मैं बाय कर चुकी हूँ। ओके जी, यहाँ पर हो गई है मेरी शॉपिंग कंप्लीट। टोटल अमाउंट था मेरे पास 3000 रुपीस, उसमें से मैंने शॉपिंग जो की है वो अमाउंट मेरा बना है 2950 रुपीस। इट्स मीन के 3000 में से मैंने 2950 रुपये की शॉपिंग की है। साइट्स पे मैं आगे जाके आपको पिक्चर्स प्राइस के साथ मेंशन कर दूंगी, जो जो मैंने शॉपिंग की है उसको देख लीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।